मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है सीबीएफसी से, मेरा प्रॉब्लम पूरे समाज से है जो एक पॉइंट पे आके इसी बात को अपनी तरीके से कहता है। तो सीबीएफसी इज़ एक्चुअली अ मिररिंग सोसाइटी। बहुत छोटा हम इशू कर देंगे अगर हम सीबीएफसी के बारे में बना देंगे इस पिक्चर को, ये बहुत बड़ा इशू है। आप नॉर्मली अगर किसी लड़की से बात करेंगे तो आप उससे 5 इंसिडेंसेस ऐसे पता कर लेंगे जो उसके साथ दिन में हुए हैं, एक साल में तो 5-10 तो निकलेंगे ही, जहाँ उसको अपने औरत होने पर दे शी हैज़ हैड टू प्रूव हरसेल्फ अ लिटिल हार्डर, मे बी इन अ मेल डोमिनेटेड वर्क प्लेस एट टाइम्स विद अ सर्टन अमाउंट ऑफ हैविंग टू बी कम अक्रॉस एज अ स्मार्टर वूमन इफ शी इज़ गुड लुकिंग। मतलब देर आर सो मेनी, शी इज़ लर्न्ड कॉम्बैट फ्रॉम अ वेरी यंग एज। और आप ये जो उंगली है ना, ये लिपस्टिक जो है, ये उस समाज पर है जो हमें बाहर आने नहीं दे रहा, हमें अपनी आवाज़ को दबाने की कुप्पे मजबूर कर रहा है। तो इट्स नॉट अबाउट सीबीएफसी, इट्स अबाउट एवरी एंड इट्स अबाउट एन आइडियोलॉजी, इट्स नॉट अबाउट मेन। अगेन प्लीज, आई एम गोइंग टू डू अ कैंपेन कॉल्ड लिपस्टिक फॉर मेन, बिकॉज आज नो इट इज बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ मेन हु मेड अस द वुमेन वी आर, लाइक माई फादर, एंड देर आर लॉट्स ऑफ वुमेन हु इंसिस्ट दैट देयर इज अ सन बॉर्न एंड पुट देयर डॉटर इन लॉज थ्रू वेरियस चिल्ड्रन एंड अबॉर्शंस। सो इट्स नॉट अबाउट वुमेन एंड मेन, इट्स अबाउट आइडियोलॉजी। So yeah, it's about patriarchy.